हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हाउ टू राइट। एंड आज हम सीखेंगे मैरिज लीव लिखना, जो कि हमें प्रिंसिपल को लिखना होता है 3 से 4 दिन के लीव के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रैंट यू लीव फॉर 4 डेज ऑन द मैरिज ऑफ योर एल्डर ब्रदर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होता है और हमारा आंसर देखिए। टू द प्रिंसिपल SKB विद्यालय पीतमपुरा दिल्ली। देखिए, टू तो आता ही आता है, बाकी जो आपका द प्रिंसिपल ये कॉमन है, एंड जो आपके स्कूल का नाम है वो लिखना होता है हमको। ठीक है, उसका एड्रेस, उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे देखिए, यहाँ पे सर है। अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल मैन है, आदमी है, तो सर, या मैडम है तो मैम। ठीक है, तो उसके बाद का देखिए स्टैंजा। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास ऑफ योर स्कूल। ये हमारी पहली लाइन है। ठीक है, द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर विल टेक प्लेस नेक्स्ट वीक। ये हमारी दूसरी लाइन है। ठीक है, आई शैल बी बिजी फॉर 4 डेज सो आई एम आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल। ठीक है, प्लीज ग्रैंट मी लीव फॉर 4 डेज आई शैल बी वेरी ओब्लाइज टू यू। देन आपका देखिए, योर ओबीडेंटली जो नाम दिया हो पेपर में है तो पेपर में, रियल में लिख रहे हो तो अपना रियल नेम, क्लास, रोल नंबर, एंड जिस डेट में हम वो लेटर लिख रहे होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो होती है ना चीजें, इनका हमें 1 मार्क्स मिलता है, जो कि हमारी हेडिंग होती है फ्रंट पे। ठीक है, बीच में जो हम ये पूरा स्टैंजा लिखते हैं, इसका हमें लगभग 3 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, और नीचे में जो हम अपनी ये डिटेल लिखते हैं, इसका 1 नंबर। अगर आपने सेम टू सेम ऐसा ही किया इसी फॉर्मेट में, ऑब्वियसली आप 5 में से 5 नंबर पा सकते हो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 5 नंबर का ही आता है। ठीक है, तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।